हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार स्टडी ज्ञान में। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम 2020 को लेकर के ये प्रैक्टिस सेट 31 है, तो आपको इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद उन सारे प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ से इसकी PDF को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना है और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाना, ठीक है। आपको इसी PDF में आंसर की भी मिल जाएगा लास्ट में, जिससे आप आसानी से रिवाइज कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। और विद इन एन आवर आप आसानी से 2000 से 3000 क्वेश्चन को आराम से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। सो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं स्टडी ज्ञान लर्निंग मेड सिंपल। सो फ्रेंड्स, जो आज का पहला प्रश्न है वो है, पंकज अडवाणी ने हाल ही में अपना 22वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब 2019 जीता है, यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पंकज अडवाणी ने हाल ही में अपना 22वां जो विश्व बिलियर्ड्स खिताब जो है 2019 का जीता है, ठीक है। ये जो टूर्नामेंट है ये म्यांमार में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे पहली बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बार युवराज सिंह को अंडर 19 विश्व क्रिकेट क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है वो दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। युवराज सिंह पहले इंडियन है जिनको अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने अभी तक अंडर 19 विश्व कप का खिताब एक बार भी नहीं जीता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने अब तक भी 19 विश्व कप जो है अंडर 19 विश्व कप वो कभी नहीं जीता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड, ठीक है। बाकी दक्षिण अफ्रीका भी एक बार जीत चुका है, न्यूजीलैंड भी 2 बार जीता है, इंग्लैंड भी एक बार जीत चुका है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने अब तक कोई भी अंडर 19 विश्व कप का खिताब नहीं जीता, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। और रिसेंटली अभी जो 2020 में जो अंडर 19 विश्व कप हुआ वो किसने जीता है, तो वो बांग्लादेश ने जीता है पहली बार, ठीक है। और उप विजेता रहा है भारत, ठीक है। और इससे पहले जो अंडर 19 विश्व कप हुआ था उसका विजेता इंडिया था, ठीक है। तो आपको ये भी सारे पॉइंट्स याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ICC क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो विश्व कप जो होता है, ICC क्रिकेट का जो विश्व कप होता है, ठीक है, तो इसका इसमें जो मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड होता है वो उसका शुरुआत 1975 ईस्वी से किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जब 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था वर्ल्ड कप, उसी टाइम से ये मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है उसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वनडे मैच में सबसे अधिक बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है, ठीक है। तो दोस्तों, वनडे मैच में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को मिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों, क्रिकेट का 3 फॉर्मेट होता है, एक वनडे, दूसरा टेस्ट और तीसरा T20, ठीक है। तो आपको तीनों में याद रखने हैं टॉप के 3, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वनडे। वनडे मतलब क्या, 50-50, 50 ओवर की ये मैच होती है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा बार जो मैन ऑफ द मैच मिला है अवार्ड वो है सचिन तेंदुलकर, इंडिया से हैं, इनको 62 बार मिल चुका है, ठीक है। ये 463 टोटल मैच खेले थे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हैं 48 के साथ सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के हैं, और तीसरे नंबर पे है विराट कोहली जो कि इंडिया से हैं, इन्होंने 37 अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार जैक कालिस को मिला है, ठीक है, ICC मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, ठीक है। इनको अब तक टोटल 23 अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हैं मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं, इनको 19 बार यह अवार्ड मिल चुका है। और तीसरे नंबर पे हैं 17 के साथ वसीम अकरम जो कि पाकिस्तान से हैं, ठीक है। तो आपको ये टॉप थ्री याद रखना है सभी फॉर्मेट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं T20 का, तो T20 में सबसे ज़्यादा बार जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है वो मोहम्मद नबी को मिला है, जो कि अफगानिस्तान का एक प्लेयर है, ठीक है। इनको टोटल 12 बार ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैं विराट कोहली, संयुक्त रूप से आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर विराट कोहली, इनको भी 12 अवार्ड्स ये मिल चुके हैं, ठीक है। तीसरा है शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक है, इनको अब तक 11 अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान से देखना है और याद रखना है, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल से वातावरण में ध्वनि यानी ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होते हैं? तो दोस्तों जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी गोलीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये भी पाए जाते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कोशिका व आणविक जो जीव विज्ञान केंद्र है वो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सब्जी में प्राप्त होना होने वाला विटामिन कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों किसी सब्जी से विटामिन डी आपको प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों जो विटामिन डी है इसका जो स्रोत है वो है सन यानी कि सूर्य, सूर्य की किरणें से ही आपको सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी मिलता है, ठीक है। सब्जी से विटामिन डी भी नहीं मिलता है, सब्जी में विटामिन A1, विटामिन B1, विटामिन ई, ये सारे विटामिन जरूर मिलेंगे लेकिन विटामिन डी आपको सब्जी से नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करता है वो है पोटेशियम, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोटेशियम, ठीक है, आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी निम्न में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जाँच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? तो रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जाँच के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो करते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग अगर आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? तो दोस्तों जब भी हम किसी पिंड का वेग को आधा करते हैं यानी कि वेलोसिटी को अगर हम हाफ करेंगे तो उसका जो संवेग होगा यानी मोमेंटम होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ठोस पदार्थ है वो बिना द्रव में बदले ही सीधा सीधा गैस में बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वापातन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। तो किसी भी ठोस, मान लो ये ठोस है, इसको अगर डायरेक्ट तुम अगर गैस में कन्वर्ट कर दोगे तो ये जो बनेगा, ये जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस से ये बनेगा, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वापातन कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जरूर से याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी कोई शुद्ध शुद्ध मटेरियल है तो अगर उसमें अशुद्धि कोई आ जाती है, अशुद्ध मिला देते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो गलनांक है वो घट जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होगा? तो दोस्तों जब भी अगर मधुमक्खी डंक मारते हैं तो आपको बेकिंग सोडा का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सूटेबल है उसको उसके इलाज के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो और बनाने के लिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ताम्र एवं टीन यानी तांबा और टीन को जब मिलाते हैं तो उससे कांसा बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसको पारद मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, सॉरी पारद मिश्र धातु नहीं बल्कि अमलगम कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमलगम, ठीक है, आपको ये जरूर याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो जे जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों भारत में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, उनका जो कार्य नियुक्ति होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो इतना होता है उसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। आपको ये जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो प्रांकलन समिति होता है उसका जो कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों भारत में संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत जो है वो संसद की नियम समिति के सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ईस्वी के तहत किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। उस टाइम पे सबसे पहला जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बनाया गया था, ठीक है। तो कलकत्ता में बना था सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिनको चीफ जस्टिस बोलते हैं, उनके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 15 तक होते हैं अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो उनकी जो नियुक्ति होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति जी को और वो उस पर फाइनल मोहर लगाते हैं और उनके बाद उनकी नियुक्ति हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी, ठीक है। तो दोस्तों 8वां जो था पंचवर्षीय योजना ये बहुत ही सफल रहा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने टारगेट किया था उससे ज़्यादा अचीव कर पाए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा 2005 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो है वो चीनी घोटाला से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और प्रथम योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको सबको पता ही होगा योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और ठीक है, तो और उपाध्यक्ष थे उस टाइम पे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ किया कब किया गया था? किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ जो है वो 2000 जनवरी 2004 ईस्वी से किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है वो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? दोस्तों अब तक जो है विश्व में सबसे पुराना फेरी क्वीन जो है चल रहा है, ठीक है। तो वो सबसे विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। आपको जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, द गुड अर्थ किसने लिखी है? तो आपको बताना है द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द गुड अर्थ पुस्तक जो है वो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
तो दोस्तों आपके सामने जो चार ऑप्शन दिया है उसमें से बताना है वो कौन सा यात्री है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था, ठीक है। तो दोस्तों वेन सॉन्ग जो चीनी यात्री है उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों वेन सॉन्ग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। ये एक चीनी यात्री है, आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों बिहार की पहली मैथिली फिल्म है कन्यादान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किशनगंज जिले में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहला जो समाचार पत्र बिहार में प्रकाशित हुआ था वो है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए जो है मनीषा कुलश्रेष्ठ को चुना गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 28वें जो बिहारी पुरस्कार है वो 2018 के लिए दिया गया है, ठीक है, और ये मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर जो है वो सुल्तानगंज में स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं सत्याश्रय के संदर्भ में, ठीक है। तो आपको बताना है सत्याश्रय के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका गुरु बिमल चंद्र जैन दर्शन का महान विद्वान था, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है तैलप द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है सत्याश्रय के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सर टाइम्स मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो दोस्तों सर टाइम्स मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन जो है वो कौटिल्य के द्वारा कहा गया था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं महेंद्र सिंह टिकैत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथगो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों भारत में जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 ईस्वी में यानी 1942 में आया था इंडिया में, ठीक है, और उस टाइम पे जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ठीक है। तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उस टाइम में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि मंत्रालय था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखना है आपको, ठीक है। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो दोस्तों ये जो कथन है निष्ठुर बर्बादी बताया था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक है। तो ये जो कथन है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और दोस्तों जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो बापू शब्द का भी प्रयोग सबसे पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। उन्होंने ही कहा था बापू अब हमारे बीच नहीं रहे, तो बापू की उपाधि भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने ही कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो दोस्तों फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद रखना, ठीक है। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज यूजुअल मे गॉड ब्लेस यू. थैंक्स.